बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आज एक कहवा बना रही हूँ, जिसकी आपको मैं रेसिपी शेयर करूँगी। ये इतना अच्छा कहवा होता है जिससे आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाती हैं। अगर मैदे की कोई प्रॉब्लम है और अगर मोटापे का शिकार है या कोरोना, नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न, ये सब के लिए बेहतरीन कहवा है। आपने बस इसको दिन में 2 मरतबा पीना है और ये इतना मज़े का होगा कि बस आप कहेंगे कि मैंने चाय पीनी ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने पानी को गर्म किया है, ये तकरीबन 4 कप पानी डाला है। इसमें कलवंजी डाल रही हूँ। आपको जैसे पता है कि अल्लाह पाक ने इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा रखी है। और ये है सौंफ, जो मैदे के लिए, पेट की जितनी भी बीमारी है उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है ये। और ये साथ में इलायची डाल रही हूँ, जो खुशबू के साथ आपको बेहतरीन फवायद देगी। और ये मैदे के लिए ये भी बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ साथ ये है सना मक्खी, जो हर एक जगह पे आपको पंसारी में दुकान पे मिल जाएगी। और यही है जिससे आपको ज़ुकाम, खांसी, नज़ला, कोरोना, जितनी भी ये बीमारियाँ हैं इनमें सब के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। आप इसका जुशांदा बनाइए, इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है। बस आपने इसको 2 मरतबा दिन में पीना है। इसको ढककर दरमियानी आँच से हल्की आँच तक ले जाना है और तकरीबन 10 मिनट के बाद ये बेहतरीन कहवा तैयार हो जाएगा। मैंने चीनी डाली है, आप इसमें शहद डाल सकते हैं या वैसे ही पी सकते हैं। ये बहुत मज़े का, जायके वाला होता है। और इसको छान कर आप इसको कप में डाल लीजिए और दिन में 2 मरतबा आपने बस पीना है। और अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द है, मैदे की कोई प्रॉब्लम है, नज़ला, ज़ुकाम, इसके लिए बेहतरीन ये चीज़ है। को आप गरम गरम नोश कीजिए, ये बहुत मज़े का कहवा है। और इसको, और ये जायके में भी बहुत मज़े का है। आप पीते रहेंगे ना, आपको चाय की तलब ही नहीं होगी, इतना मज़े का। और इसको वैसे भी आप रूटीन में पी सकते हैं। चलिए, ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।